मॉर्निंग स्टूडेंट्स तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम गुणनखंड और गुणज सार्वगुणज सार्वगुणनखंड से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न देखिए किस प्रकार हल करने हैं, क्योंकि उत्तरों में से ही हमें उत्तर ज्ञात करने हैं। कई बार प्रश्नों में हम उलझ जाते हैं, लेकिन उत्तर से हम कैसे प्रश्न का हल ज्ञात करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणक ए है। उभयनिष्ठ गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब उसके पहाड़े में आने वाला, ठीक है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, 1200 और 1300 के बीच में है। संख्या ये क्या है, 1200 और 1300 के बीच में पहली संख्या तो हमारे पास है नहीं है, क्योंकि 1197 है, ये तो आपस में ये कट ही गया। दूसरी बात, यदि वो 9 और 7 के गुणनखंड है, क्योंकि ये 1200 और 1300 के बीच में ये तीनों है, तो 9 और 7 के यदि वो गुणज हैं, तो वो 9 और 7 से पूरा पूरा भाग होंगे। अब 9 से भाग की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, 7 से भाग की तो हम सीधा करके देख लेंगे। 9 से भाग की कंडीशन, अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। जोड़ करके देखें, 2 × 3 = 9 और 0, 9 आ गया ना इनका, तो ये 9 से भाग हो जाएगी। 2 × 3 = 3 और 0 = 6 = 9, ये भी 9 है तो ये भी 9 से भाग हो जाएगी। 2 × 3 = 6 = 9 और 6 = 15, ये 15 है तो ये 9 से भाग नहीं होगी, तो ये भी कट गया। अब हमारे पास सिर्फ दो ही संख्याएं बची हैं, 1260 और 1207। अब इन दोनों को हम 7 से भाग करके देख लेंगे कि कौन सी संख्या पूरा पूरा भाग हो जाएगी। सबसे बार 1260 को 7 से भाग देंगे, 7 × 7 = 5, 6 × 0 = 0, 6 × 7 = 56, 0 और 0 उतारेंगे, ऊपर 0 चढ़ जाएगी, ये पूरा पूरा भाग हो रही है 7 से, ये वाली संख्या, तो हमारा उत्तर ये है। आप इसको भाग करके देखेंगे, ये 7 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी, आप करके भी देख लेना। तो हमारे पास इसका उत्तर क्या आ गया, 1260, ठीक है। अगला 13 के प्रथम 6 गुणजों का योग, प्रथम 6 गुणज, 13 × 13 = 13, 13 × 26 = 26, 13 × 39 = 43, 13 × 35 = 65, 13 × 6 = 78, इनका जोड़ करना है। अब इनको लिख के जोड़ करेंगे तो बड़ा बन जाएगा। ये छोटी ट्रिक बता दूं, छोटी ट्रिक, ये कभी भी लागू कर लेना आप, बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के आ सकते हैं। किसी भी संख्या की यदि प्रथम कितने गुणज ज्ञात करने हैं, कितने, 6, तो पहले तो उन संख्याओं का जोड़ लें, किन संख्याओं का, 6 का, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इनका, 1 और 2 3 और 3 6 4 4 10 5 15 और 6 21, 6 संख्याओं का जोड़ हमारे पास क्या आ गया, 21 आ गया। अब जिसके वो गुणज हैं 21 को उससे गुणा कर दें, 13 × 13 = 27, कितना आ गया, 273 हमारे पास आ गया। यदि यही प्रथम गुणज हमारे पास किसी और संख्या के होते तो उनकी जोड़ करके उस संख्या से हम उसको गुणा कर लेते। अगला 30 के गुणक है, 30 के गुणक, गुणक का मतलब होता है गुणनखंड, मैंने पहले ही बताया था गुणक का मतलब गुणनखंड। अब गुणनखंड में देखें, 30 के गुणनखंड वही होंगे जिसमें 1 भी आता है और 30 भी आता है। अभी देखो इसमें 30 नहीं है, इसमें 30 नहीं है, इसमें 30 नहीं है, इसमें 30 है, तो 30 के गुणनखंड तो ये होंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या खुद की भी गुणनखंड है। या ये ज्ञात करने के लिए कि ये गुणनखंड हमारे सही है या गलत है, हम पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा करेंगे, 30 × 30, उसके बाद दूसरी को उससे पहले वाली से, 15 × 30 = 10, 30 × 6 = 30, इस प्रकार से जोड़े बनाते बनाते यदि आंसर वही संख्या आ रहा है तो हमारे गुणनखंडों की संख्या सही है। यहां से हम करके देखेंगे, देखिए 15 × 15 = 15, 30 तो आया ही नहीं तो पूरे नहीं है, 5 × 10 = 10, 30 नहीं आया तो पूरे नहीं है, 10 × 10 = 10, 30 नहीं आया तो पूरे नहीं है। इस प्रकार हम गुणा कर करते पहले की आखिरी की, सेकंड लास्ट की और सेकंड की, थर्ड लास्ट की और थर्ड की, इस प्रकार गुणा करके हम ये संख्याएं ज्ञात करेंगे कि वही संख्या हमारे पास आ रही है या नहीं। यदि नहीं आ रही है तो गुणक उसके इतने पूरे नहीं होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 इसी प्रकार से है, देखो जो मैंने दूसरे प्रश्न की बात करा था कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग, पहले तो योग ही ज्ञात करना है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो 5 संख्याओं का हम जोड़ ज्ञात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, जो 15 होता है हमारे पास, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 5 संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5, हर बार ऐसे जोड़ करना, कितना आ गया, 15 है, और 15 को इससे गुणा कर देना, 15 × 6 = 90, तो प्रथम 5 गुणजों का योग कितना आ गया, 90। अब लेकिन 90 आने के बाद आने वाली संख्या के दहाई और इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर लेना है,
ढाई पे नौ आया, इकाई पे जीरो, नौ में से जीरो गए हमारे पास, क्या बच गया? नौ बच गया, सिंपल सर। ठीक है, अब यहाँ 40 से छोटे पांच के गुणे, 40 से छोटे पांच के गुणे देखो, पांच एक पांच, पांच दूनी दस, पांच तीन पंद्रह, पांच चौका बीस, पांच पंद्रह पच्चीस, पांच एक तीस, पांच सत्ते पैंतीस, पांच अठे चालीस। चालीस नहीं लेना, 40 से छोटे हमें लेना है, तो 40 यहाँ पे आए इसे छोटे, एक दो तीन चार पांच छह सात, हमारे पास कितने आ गए वो सात आए हैं, तो हमारा उत्तर सात है। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, भाज्य मतलब किसी संख्या से भाग होती है, इसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंडों से इनको भाग देके देखना पड़ेगा। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड दो होता है, दो से भाग के लिए इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए, इकाई का अंक सम संख्या नहीं है। अब तीन से भाग के लिए अंकों का जोड़ करना है, दो एक तीन, दो तीन छह, इसका जोड़ छह आया है, छह तीन का एक गुणज है, गुणज है ना, यदि छह तीन का एक गुणज है तो यह संख्या तीन से भाग हो जाएगी, और तीन से भाग हो जाएगी तो यह भाज्य संख्या है, आगे हमें करके देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और यदि करके देखने की जरूरत पड़े ये ना आए तो अगली अगली को ऐसे ही करके हम देखेंगे, तीन के बाद फिर पांच, फिर सात, फिर ग्यारह, फिर तेरह, फिर सत्रह, उस प्रकार से हम भाग कर करके देखेंगे। तो ये गुणनखंड और गुणज से संबंधित प्रश्न थे, आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।